प्रतापगढ़ गैंगरेप की शिकार छात्रा ने विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की दी धमकी। ट्विटर पर वीडियो वायरल कर छात्रा ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया। छात्रा के मुताबिक आरोपियों ने उसका जीना दुश्वार कर दिए है। उसे मुकदमे में सुलह करने के लिए लगातार धमकी दी जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता आज पुलिस कार्यालय पहुंचकर ऐलान किया कि आरोपियों की 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी न की गई तो वह आत्मदाह कर लेंगी। मैं एक रेप पीड़िता हूँ, मैं एक छात्रा हूँ, मेरा पूरा जीवन बर्बाद किया जा रहा है। रेप केस के दरिंदों ने मुझे बोला है कि तुमको प्रतापगढ़ SP के सामने 1 हफ्ते के अंदर गोली मारेंगे और देखते हैं तुमको कौन सा शासन प्रशासन बचा सकता है। और मेरे फ़ोन नंबर पर लगातार अश्लील से अश्लील वीडियो फोटोज़ भेजे जा रहे हैं और मुझे दोबारा से गैंग रेप करने की धमकी दी जा रही है। एक बार मेरी इज्जत ली जा चुकी है, अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है प्रशासन? क्यों गिरफ्तार नहीं करता इन दरिंदों को? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? अगर इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है, तो मैं 3 दिन के बाद विधानसभा के सामने जा कर के आत्मदाह कर लूँगी। और मैं आत्महत्या की धमकी नहीं दे रही हूँ, बल्कि आत्महत्या के लिए मुझे उकसाया जा रहा है। आरोपियों के द्वारा आरोपियों ने मेरा जीना दुभर कर दिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत जुर्म बहुत अत्याचार सहे हैं। इस 21 साल की उम्र में मेरे साथ वो अत्याचार किए हैं आरोपियों और दरिंदों ने। 22-22 मुकदमे वाले आरोपियों ने, जिनकी उम्र 55 साल 35 साल 40 साल है, इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरी पढ़ाई, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरी इज्जत, सब कुछ इन लोगों ने मिट्टी में मिला दी है। मुझे जीने नहीं दे रहे, मैं दहशत में जी रही हूँ। ये लोग बार बार मेरे साथ अपराध करते हैं। इन्होंने 2020 में मेरे साथ गलत काम करके मुझे जहर देकर जंगल में मारकर फेंक दिया था। क्या वो अपराध कम था जो मुझे फिर से जो है 1 हफ्ते के अंदर गोली मारने की धमकी दिए हैं? मैं मुख्यमंत्री जी, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इन आरोपियों की गिरफ्तारी 3 दिन के अंदर नहीं होती है, तो मैं वचन देती हूँ कि मैं विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लूँगी। और इसके जिम्मेदार नागेश पांडे, कुलभूषण मिश्रा, प्रेम प्रकाश यादव, विनय भूषण मिश्रा, इनके अन्य साथीगण जो मेरे पास इतने गंदे वीडियोस भेजते हैं, गैंगरेप करने की धमकी देते हैं, हत्या की धमकी देते हैं, ये सब होंगे।